सिलेबस कंप्लीट करने की दौड़ में लग जाते हैं विदाउट एनालाइजिंग कि क्या ऐसे स्पेसिफिक एलिमेंट्स हैं जिनको पहले समझना जरूरी है और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी है सो आई एम श्योर कि आपको टाइम नहीं मिल पा रहा होगा यू मस्ट बी बिजी प्रिपेयरिंग बिकॉज द एग्जाम इज वेरी वेरी नियर सो आई थॉट लेट मी डू दिस एनालिसिस फॉर यू सो इस पटना लेक्चर में मैं क्या करने वाला हूँ आई एम गोइंग टू एनालाइज योर पास्ट ईयर पेपर स्पेसिफिकली पेपर वन तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि पेपर वन में किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कितने क्वेश्चन आते हैं और साथ साथ ये भी बताने वाला हूं कि उस पेपर का लेवल क्या होता है दैट मीन्स हर सब्जेक्ट वाइज हर टॉपिक वाइज किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दिस विल हेल्प यू प्रिपेयर बेटर फॉर एग्जाम एट द सेम टाइम इट विल ऑल्सो हेल्प यू इवेलुएट कि आपको किस सेक्शन में कितना ज्यादा ध्यान देना है ठीक है सो विदाउट टेकिंग मच टाइम ऑफ योर लेट्स गेट स्टार्टेड बट प्लीज वॉच द इटायर वीडियो बिकॉज ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है फॉर द अपकमिंग जून ट्वेंटी एग्जाम ठीक है सबसे पहले मैंने एक टेबल क्रिएट करी हुई है तो पहले इस टेबल को ध्यान से समझ लेते हैं फर्स्ट इज योर टॉपिक ठीक है कि कौन सा टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हुए थे लेवल क्या रहा पेपर का और टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे थे ठीक है मैं आपको बता दूं कि ये स्पेसिफिकली मैंने 2021 में जो आपका एग्जाम हुआ था ठीक है उसके पेपर्स उठाए क्योंकि पास्ट ईयर पेपर्स ऑलरेडी दो तीन मिल गए थे हमें कॉमर्स तीन शिफ्ट में हुआ था एक शिफ्ट मैनेजमेंट का हुआ था तो ऑलरेडी तीन चार पेपर्स के बेसिस पे मैं ये एनालिसिस कर रहा हूँ और इसको मैंने पास्ट अटैम्प से अगर टैली किया तो आई रियलाइज एनालिस कि जो थोड़े बहुत माइन्यूट से चेंजेस हैं अटैम्प बाई अटैम्प वो चेंजेस होते रहते हैं तो हम स्पेसिफिकली फोकस करने वाले हैं ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी ट्वेंटी वन के अटैम्प के हिसाब से और उसके बेसिस पर डिटर्माइन करेंगे कि ट्वेंटी ट्वेंटी टू में आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है दैट इज फॉर योर जून एग्जाम ठीक है तो अगर टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में बात करूं तो कितने क्वेश्चन उसमें से पूछे गए थे नंबर ऑफ क्वेश्चन वर फोर इजी से मीडियम लेवल के पूछे गए थे एंड देवर ऑफ अ कंसेप्चुअल नेचर कंसेप्चुअल नेचर का क्या मतलब है कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पे क्वेश्चन पूछ लिया आपसे और आपसे पूछा गया कि यार ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के हिसाब से विच ऑफ दीज फीचर्स लाइज वेयर अब जब तक आपको सारे लेवल्स नहीं पता यू आर नॉट अवेयर अबाउट द कंसेप्ट यू विल नॉट बी एबल टू आंसर तो इसका क्या मतलब है है, कि teaching attitude में आपको बिल्कुल करके चलनी तभी आप इन questions का answer कर पाएंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है attitude जिसका weightage काफी ज़्यादा रखा गया था, six questions were actually asked और ये medium से difficult level के थे। अब दोस्तों मैं क्यों कह रहा हूँ मीडियम से डिफिकल्ट लेवल के थे बिकॉज द्वेश्चन एप्लीकेशन बेसिस तो डायरेक्टली नहीं पूछा गया था कि डायरेक्टली बताइए विच ऑफ दीज आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च ये सब नहीं पूछा गया था आपको एक स्टेटमेंट दी हुई थी एंड यू हैव टू अप्लाई द कंसेप्ट एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई दट विच इज द टाइप ऑफ रिसर्च इस टाइप ऑफ रिसर्च स्पेसिफिकली क्वालिटेटिव रिसर्च क्वांटिटिव रिसर्च और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे सो यू विल हैव टू बी वेरी थॉर ओ हेयर ऑल्सो अगर आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा तो आप अप्लाई नहीं, नहीं कर पाएंगे और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है दैट यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर ऑफ अजर्शन रीजनिंग क्वेश्चन जो हमारी बुक में प्रोवाइडेड है ठीक है नेक्स्ट बात करूं कम्युनिकेशन से काफी इजी टॉपिक था काफी इजी क्वेश्चन भी आए थे पांच क्वेश्चन आए थे और ये मिक्स थे आई से निक्स क्या मतलब है एक अजर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन था ठीक है एक से दो क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट थे बैरियर्स के ऊपर एंड सो ऑन एंड सो फोर मतलब ओवरऑल जो कम्युनिकेशन का टॉपिक रहता है वो ईजी पूछा गया था इन द ईयर ट्वेंटी ठीक है नेक्स्ट बात कर लेते हैं हायर एजुकेशन टॉपिक की इससे भी पांच क्वेश्चन पूछे गए थे मॉडरेट लेवल के थे अनफॉर्चुनेटली रैंकिंग्स नहीं पूछी गई थी तो क्योंकि लास्ट टाइम रैंकिंग नहीं पूछी गई थी तो मैं उम्मीद करके चल रहा हूं कि हो सकता है इस बार रैंकिंग्स पूछ ली जाए हायर एजुकेशन पे मेजरली क्वेश्चन पूछे गए थे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द हायर एजुकेशन कमिटी जो आपकी दादा कृष्ण कमिटी हो गई न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ था सो आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू हैव टू कवर नेक्स्ट बात कर लेते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है बट मैं आपको बता दूं डेटा इंटरप्रिटेशन के सवालों पे जंप करने से पहले यू विल हैव विलू ग्रैप दो उनको पहले बेसिक से समझना पड़ेगा उसके बाद ही आप क्वेश्चन लगा पाएंगे पांच क्वेश्चन आए थे डेटा इंटरप्रिटेशन के इजी से मॉडरेट लेवल के थे और एवरेज और परसेंटेज दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो बिल्कुल आपके टिप्स पे होने चाहिए किसी भी टाइप का क्वेश्चन है अगर आपने एवरेज और परसेंटेज अच्छे से समझा हुआ है आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं सो माय सजेशन वुड बी डू नॉट गो एंड जंप टू द पास्ट ईयर पेपर्स डू नॉट गो एंड जंप टू द मॉक टेस्ट पहले बेसिक्स की मैथमेटिक्स की बुक उठा लीजिए वहां से बेसिक कंसेप्ट समझिए एवरेज और परसेंटेज की किस तरह कैलकुलेट किया जाता है आपका डर निकल जाएगा दोस्तों जो मेजोरिटी ऑफ द चैलेंज है ना वो इसमें नहीं है कि आपको क्वेश्चन नहीं आते या आप नहीं कर सकते हैं आपको मन में फिजिकली सॉरी साइकोलॉजिकली आपको एक डर बना हुआ है कि यार हमसे मैथमेटिक्स नहीं होती है या हमसे डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं होता एक बार इन सिक्स के आपसे होने लग गए आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आने लगेगा एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व इट तो पहले इन टॉपिक्स को समझिए और कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं रेशन प्रपोर्शन के प्रॉफिट एंड लॉस को के इन टॉपिक्स को भी अच्छे से देख लीजिए एंड अकॉर्डिंगली गो एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चन ठीक है तो ये तो बात हो गई पहले पांच टॉपिक के बारे में आगे बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रेंशन वेरी वेरी इजी पांच क्वेश्चन आए थे और लीडरशिप के टॉपिक पे आए थे मैं आपको बता दूं मेरे कॉमर्स और मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को कि जो भी आपको आजकल रीडिंग कॉम्पिनेशन जो भी रिसेंट एग्जाम्स में आ रही है वो ऑटोमेटिकली वही टॉपिक पर किया जाता है जो आइडियली आपने अपने कॉमर्स और मैनेजमेंट में पढ़ रखा हो फॉर एग्जाम्पल अगर लीडरशिप पे आए तो आप मान के चल सकते हैं कि आपने इतना इन इंडेप्थ में पढ़ रखा है लीडरशिप का टॉपिक कॉमर्स और मैनेजमेंट में कि कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट तो आपको वहाँ पे टाइम वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है कि आप रीडिंग कॉम्पनेशन को पूरा थॉरली पढ़ें आप एक ग्लिम्स ले सकते हैं आप एक आइडिया ले सकते हैं और उसके बेस पे आप आंसर कर सकते थे ठीक है नेक्स्ट बात करता हूँ मैं आईसी टी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पाँच क्वेश्चन पूछे गए थे मॉडरेट लेवल के थे और मिक्स टाइप के थे अगेन मिक्स टाइप का सेम मतलब है कुछ क्वेश्चन अजर्शन रीजनिंग टाइप थे कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल थे जो करंट अफेयर से पूछे गए थे और कुछ क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट थे कि आपसे रैम रॉम इस टाइप के क्वेश्चन इन पे इन कॉम्पोनेंट्स के ऊपर आपसे सवाल पूछे हुए थे ठीक है सो इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा बिकॉज ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है ठीक है नेक्स्ट इज पीपल एनवायरमेंट और मैं हमेशा कहता हूँ दिस इज द मोस्ट अन टॉपिक द टॉपिक क्यों है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स और फैक्चुअल टॉपिक पूछा जाता है फॉर एग्जाम्पल आपसे फॉरेस्ट कवर पूछ लिया गया फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया गया कि भाई कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है सोन सो आइडल तरीका क्या है कि इसको आप जितना ज्यादा रीड कर सकते हैं डू नॉट फोकस टू मच ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक पर्सनली मेरा एडवाइस रहता है ठीक है बहुत ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगाइए बिकॉज आपको पता नहीं है कहाँ से लिया जाएगा बट स्लोली एंड स्टडली थोड़े थोड़े टॉपिक्स टॉपिक पढ़ते चलिए रिवाइज करते चलिए हो सकता है कि जो भी आपने करंट अफेयर्स पढ़ा है जो भी आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है वो आपके काम आ जाए और मैं आपको बता दूं मैं भी स्पेशल सेशन लेता हूं करंट अफेयर्स के प्लीज उसको ध्यान से देख लीजिएगा बिकॉज वो बहुत कॉम्प्रेहेंसिव होते हैं उसके अंदर मैं लास्ट सिक्स मंथ्स के सारे जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उनको कवर करने वाला हूँ ठीक है सो प्लीज डू वॉच दैट पर्टुलर टॉपिक ऑफ करंट अफेयर्स आई थिंक वेटनेस डे को होने वाला है सो प्लीज डू अटेंड दैट ठीक है नेक्स्ट है एल आर और इंडियन लॉजिक ठीक है जिसपे दो क्वेश्चन आप मान के चलिए एक से दो क्वेश्चन इंडियन लॉजिक के होते हैं तीन क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के होते हैं सिलोगिज्म टाइप के ईजी से मॉडरेट लेवल के आते हैं लेकिन कंसेप्चुअल नेचर के होते हैं कंसेप्चुअल नेचर का क्या मतलब है अगर आपने स्क्वायर ऑफ अपोजिशन नहीं पढ़ रखा अगर आपने फैलसीज ठीक से नहीं समझ रखा अगर आपने सिलोगिज्म ठीक से नहीं समझ रखा तो आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे इंडियन लॉजिक छह प्रमाणास पे सबसे ज्यादा फोकस करना है और जो उनके कॉम्पोनेट है उन पर फोकस करना है ठीक है तो इन टॉपिक्स पे आप फोकस करके अगर चले जाएंगे तो इंडियन लॉजिक आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा लास्ट टॉपिक अगेन जो पेन पॉइंट है स्टूडेंट्स का मैथमेटिकल एंड क्वानिटेटिव एप्टीट्यूड पांच क्वेश्चन आए थे मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल के थे प्रॉब्लम क्या थी कि इसके अंदर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा दी हुई थी मतलब क्वेश्चन इजी था बट कैलकुलेशन बहुत ज्यादा थी तो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी लेट से आपने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रखे एमसीक्यू नहीं लगा रखा है तो आपको टाइम भी ज्यादा लगेगा एंड आपको सॉल्व करने में भी प्रॉब्लम आएगी तो यहां मेरा सजेशन क्या रहेगा दैट वंस यू हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग कोशिश करिए कि जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने ज्यादा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं ठीक है कंपैरेटिवली पेपर वन के अंदर रीजनिंग का वेटेज कम है डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा आते हैं बट वो कंसेप्चुअल नेचर के होते हैं ठीक है सो दैट वॉज द पास्ट पेपर एनालिसिस फॉर पेपर वन मैंने आपको दोबारा कह रहा हूँ ये 2021 के बेसिस पर स्पेसिफिक एनालिसिस है ईयर बाय ईयर क्वेश्चन थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं कभी टीचिंग एप्टीट्यूड में ज्यादा पूछ लेते हैं कभी रिसर्च एप्टीट्यूड में ज्यादा पूछ लेते हैं और हो सकता है कभी क्वानिटेटिव एप्टीट्यूड में भी ज्यादा पूछ लें सो so, आपको वो स्ट्रिक्ट पैटर्न लेके नहीं चलना है बट एक ब्रॉड आइडिया आपको जरूर लग गया कि यार किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं और किस टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ठीक है तो प्लीज एक छोटी सी वीडियो है इसको पूरा देखिएगा इसके बेसिस पे एनालिसिस करके देन अपनी तैयारी को आगे मॉडिफाई भी कर सकते हैं और ध्यान रख के बेटर प्रिपरेशन कर सकते हैं ठीक है सो दैट वॉज ऑल दैट आई वॉन्टेड टू टेल यू मिलेंगे अगले सेशन में टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय